नमस्कार, देसी रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेके आई हूँ केले की सब्जी, जो हरे केले से बनती है। इस तरह के केले, इनकी आज हम सब्जी बनाने वाले हैं और बहुत ही अच्छी ये सब्जी बनती है। तो एक बार आप मेरे जैसे जरूर एक बार ट्राई करें कि हम जैसे बना रहे हैं, एक बार आप अगर ऐसे बनाएंगे तो सच में आपको बहुत ही पसंद आने वाली है ये केले की सब्जी। तो चलिए बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या क्या मसाले चाहिए देख लेते हैं। तो हमने ले लिए मसाले, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच हमने लिया है धनिया पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा है। मिर्च आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। एक हमने ले लिया है मीडियम प्याज एक ले लिया है। चार कलियां लहसुन की ले ली है और एक छोटी सी लौंग ले ली है और कुछ दाने हमने बड़ी इलायची के ले लिए है। और ये आधा इंच कम से कम मैंने जावित्री का टुकड़ा लिया है और आधा इंच हमने लिया है दालचीनी का टुकड़ा। कुछ काली मिर्चें ले ली हैं आधी चम्मच के हिसाब से। तो ये मैंने एक पाव केले की छियों के हिसाब से मैंने मसाला निकाला है। और अब आपको दिखाते हैं कि हमने केले की छियां ली हैं। ये एक पाव केले की छियां हैं, इनको हम काट के अच्छे से छील लेते हैं। ये हमने धो के ले ली है तो इनको हम काटते हैं पहले। इनको हम है मुझे इस तरह से मुझे छील लेना है। सभी को हम ऐसे ही छील लेंगे। मैंने इनके सभी छिलके निकाल के हटा दिए हैं। अब इनको हम एक बार फिर से धो लेते हैं, उसके बाद हम कट करेंगे। आपको जैसे काटना अच्छा लगता है वैसे काटिए। मैं तो सब तरह से काटती हूँ, गोल भी काटती हूँ, इस तरह से भी काटती हूँ। और आपको लंबाई में काटना है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे काटिए। सभी को हम कट कर लेंगे। तो हमने ये सब काट लिए हैं और इस सब्जी के साथ पराठा या पूड़ियां ही अच्छी लगती हैं और रोटियां नहीं ज्यादा अच्छी लगती हैं। फिर आपकी मर्जी, आपको क्या अच्छा लगता क्या खाएंगे। मसाला जो मैंने आपको दिखाया उसको मिक्सी जार में डाल के एकदम बारीक सा पीस लेना है मुझे। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख रखी और इसमें डाल दिया सरसों का तेल। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसको हम मेथी दाने से फ्राई करेंगे। तो मेथी दाने हमने यहाँ डाल दिए है, साथ में ही चुटकी भर हींग और थोड़ा सा जीरा, बहुत थोड़ा सा पड़ेगा, ज्यादा नहीं। तो इसको भून जाने देना है और मसाला भी हमने पीस लिया, ये पेस्ट बना लिया एक, ये भून गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाला। तो ये हमने मसाला डाल दिया, अब इसको हमें अच्छे से भूनना है और ये बहुत जल्दी बन जाती है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आपको अगर ज्यादा बनानी है तो आप ज्यादा बनाइए, हमारे लिए एक पाव बहुत है। अब हमें इसी समय इसमें ऐड कर देना है नमक, जिससे मसाला ज्यादा उछल कूद ना मचा पाए और जल्दी पक भी जाता है नमक डालने से। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें, ये वैसे भी थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है, ये व्रत वाला नमक है। अब इसको हमें भून लेना है, इसका कलर एकदम बदल जाए। ये मसाला अच्छे से भून गया है और हमें इसी तरह भूनना है, इसका एकदम से कलर बदल गया। और हाँ, आप लोहे की कढ़ाई अगर आपके पास है तो आप लोहे की कढ़ाई में जरूर बनाएं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बहुत ही अच्छी ये सब्जी बनती है। और वैसे भी केले की छियां जो बना रहे हैं हम, इसमें वैसे भी बहुत सारा कैल्शियम होता है। और दूसरा, लोहे की कढ़ाई बनेगा तो फिर तो बात ही बन जाएगी, बढ़िया बनेगी ही बनेगी। तो इसमें हमने जो कट करके केले की छियां रखी हैं इनको हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे और 10 से 15 सेकंड के लिए ऐसे ही फुल गैस कर लेंगे और इनको ऐसे चलाते हुए थोड़ी देर भून लेंगे, यानी 15 सेकंड के लिए। अब लोहे की कढ़ाई में होता क्या है कि सब्जी काली पड़ जाती है तो लोगों को पसंद नहीं आती है, पर इसके फायदे कितने होते हैं ये भी जरा ध्यान से देखें। तो ज़्यादातर कोशिश करें काली ना देखें सब्जी, तो उसका टेस्ट देखें और आपके लिए कितनी फायदेमंद है वो भी देखें। ये मैंने भून लिया है, अब इसमें ऐड करेंगे पानी। तो गैस को हमने कर दिया है लो
क्या होता है पानी डालते हैं तो एकदम से मसाला जो होता है ना उड़ता है। और थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं। ये मैंने पानी डाल के फ्री हो गया। अब इसमें मुझे कुछ नहीं ऐड करना है और इसमें एक उबाल आ जाए फिर इसको हम ढकेंगे। और एक बार आप ऐसे जरूर बनाएं, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। बस इसके साथ पराठा या पूड़ी जरूर होनी चाहिए। और बारिश के मौसम में कढ़ाई जो होती है ना काई लग जाती है, तो इसके लिए भी एक उपाय है। आप कढ़ाई जब धोएं इसको साफ करके रखें और पोंछ लें अच्छे से, बिल्कुल पानी ना रहे, और इसमें सरसों का तेल चारों तरफ पूरे अच्छे से इसको ग्रीस कर दें और उसके बाद आप इसको रखें तो इसमें काई बिल्कुल नहीं लगेगी। आपने जैसे साफ करके रखी है वैसे ही रहेगी। और जब अगले दिन कुछ इसमें बनाना हो तो प्लीज आप धो लें, क्योंकि वो जो तेल होता है ना और फिर आप सब्जी बनाते हैं तो वो फिर छुड़ाने में ना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए एक बार इसको धो लें उसके बाद दोबारा से सब्जी बनाएं। तो चलिए सब्जी में आ गया उबाल और अब हम इसको ढकेंगे। अब हमने गैस को लो कर दिया बिल्कुल और इसको हमने ढक दिया है। 5 मिनट बाद हम इसको, तो 5 मिनट हो गए, हम चेक करते हैं। ये देखो कलर इसका काला हो गया है पर ये बनती बहुत ही अच्छी है, तो कलर पे बिल्कुल मत जाइए। अक्सर जिनकी सूरत नहीं अच्छी होती वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो बस यही सब्जी का भी है, तो काली हो जाती पर अच्छी बहुत बनती है। तो ये 5 मिनट हो गए और आप देख सकते हो ये अच्छे से पक भी गए हैं, ये देखो। पर अभी इसमें हल्की सी मुझे ग्रेवी दिख रही है। अगर आपको ऐसे पसंद है, चिपके रस की इसको बोलते हैं, तो आप ऐसे उतार लें, पर हम ऐसे नहीं उतारेंगे। अभी इसको मुझे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है, तो इसको हम ढक देते हैं फिर से और 3 मिनट बाद देखते हैं हम। 3 मिनट हो गए हैं, अब हम देखते हैं। परफेक्ट बन के तैयार हो गई है सब्जी, हमारी बनके तैयार हो गई है। गैस को हम कर देंगे बंद और इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये हमने निकाल ली, काली हो गई है, इसीलिए नहीं लोग बनाते हैं कि काली हो जाती, पर सच में अच्छी बनती है ये, बहुत अच्छी बनती है। एक बार आप ऐसे, तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और शेयर भी करिए। अगर आपको कैसी लगी आज की रेसिपी, में इतना ही, फिर एक नई रेसिपी के साथ आएंगे। तब तक लिए आप सभी को नमस्कार।